हर चंद के माहिर शिकारी होने के तिलक राम की बहुत सी दास्तानें मेरे कानों तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन इंसान इंसान ही होता है। उसके चेहरे के तासुरात का भी मुझे अंदाजा नहीं हो सका था, लेकिन इसका बदन खौफ से जिस तरह साकित हो गया था वो मैं बखूबी देख रहा था। असल में वो एक तजुर्बेकार शिकारी था और उसे अपनी इस वक्त की गलती का पूरी तरह अंदाजा हो चुका था। अचानक ही वो तेज रोशनियों से नहा गया। ये उसके साथी जो इस भयानक सिचुएशन से आगाह हो गए थे और सब कुछ देख रहे थे, उसे रोशनियों के घेरे में लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। उनकी तादाद काफी थी। कुछ ही लम्हों में वो तिलक राम पांडे के पास पहुंच गए, जो अभी तक अपने जिंदा बच जाने के बारे में हैरान था। उन्होंने और शायद खुद पांडे ने भी अभी मुझे नहीं देखा था। फिर वो हैरानी के खोल से निकल आया और बोला, तुम में से किसने गोली चलाई थी? आज मेरा जीवन उसने बचाया है, वरना शायद आज पांडे का अंत था। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। एक आध होता तो शायद ही सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश करता, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन न था। उसके साथ ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर इनमें से एक ने कहा, नहीं महाराज, हम में से किसी ने नहीं चलाई। ऐं, फिर किसने? इतना कहते हुए उसकी निगाह इस तरफ उड़ गई जहां से हमारी मौजूदगी का एहसास हुआ था। कौन कौन है वहां? वो दूर से बोला और मैं हरी सिंह और गोविंद चाड़ी के साथ दरख्तों की आड़ से बाहर निकल आया। अरे कौन हो तुम लोग भाई? क्या शेर पर गोली तुम में से किसी ने चलाई थी? भगवान ने ये सेवा हमें ही सौंपी थी महाराज, हमारी तरफ से जीवन बच जाने की बधाई हो, हरी सिंह ने कहा। और पांडे ही नहीं, दूसरे भी आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखने लगे। फिर पांडे बोला, बहुत धन्यवाद। सच है कि आज का जीवन भगवान के बाद तुमने मुझे दिया है, वरना आज पांडे की कहानी खत्म हो गई थी। तुमने चलाई थी गोली? उसने हरी सिंह से पूछा। नहीं, हमारे महाराज ने, हरी सिंह ने मेरी तरफ इशारा किया। पांडे ने मुझे गहरी नजरों से देखा और फिर शेर की तरफ। फिर वो दो कदम आगे बढ़ा और मुझे गौर से देखता हुआ बोला, भगवान जब कोई बड़ा आदमी बनाता है तो उसकी सूरत का भी बड़ा ख्याल रखता है। इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर जवानी और इतना भरपूर निशाना। गोली राइफल से चलती है, लेकिन आसाब पर काबू रखना और सही फैसला करना एक एक शिकारी के लिए जीवन का संदेश होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं नाकाम हो चुका था और इस पापी के हाथों जीवन खो चुका था। छोटी सी उम्र है तुम्हारी, मगर भगवान ने क्या तेवर दिए हैं, क्या जवानी दी है। भगवान हजार साल का जीवन दे। नाम बताओगे अपना? आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी है महाराज, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके काम आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति आनंद, मैंने कहा। और वहां मौजूद सारे शिकारी उछल पड़े। ये बात मैं जानता था कि किदारी और बंसीराज ने मेरा नाम एक बड़े शिकारी की हैसियत से दूर दूर तक फैला दिया था, और ख़ास तौर से शिकारियों की दुनिया में ये नाम बड़े गौर से सुना जा रहा था। इस वक्त पांडे ही नहीं, इसके दूसरे साथी शिकारी भी आंखें फाड़कर मुझे गौर से देख रहे थे। शिष्य शक्ति आनंद, हे भगवान, पांडे ने कहा और फिर बेअख्तियार होकर आगे बढ़ा और मुझसे लिपट गया। तुम शक्ति आनंद ही हो सकते हो, माता पिता ने तुम्हारा नाम भी सोच समझ के ही रखा है। बड़ी ख्वाहिश थी तुम्हें देखने की। एक बात कहूँ महाराज? जी। मुझे कुछ समय देंगे? हाँ, बताइए क्या करना है। मैंने कहा, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक ही हो रहा था। मेरे साथ चलना है, बस वो उस तरफ तराई में मेरा कैंप लगा है, थोड़ा समय मुझे दीजिए, मुझे खुशी होगी। आपका कैंप कहाँ है? इनमें से किसी पेड़ के ऊपर। हम आवारा गर्द हैं, मैंने हंसकर कहा। आइए मेरे साथ कैंप चलकर बातें करेंगे। जैसे आप हुक्म दें, मैंने कहा। एक बड़े मजे की बात है, मैंने तुम्हारे बारे में जान लिया पर तुमने मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा। पांडे और इसके साथियों ने हमारे साथ आगे बढ़ते हुए कहा और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, शिकार के लिए इससे खूबसूरत जंगल शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना हो, और ये बात कौन नहीं जानता कि ये तिलक राज पांडे की राजधानी है। फिर आपने एक बार अभी कहा था कि राज पांडे की कहानी खत्म हो गई होती। ओह, वहां से तुमने मेरा नाम उचक लिया, पांडे हंसकर बोला। मैं भी हंसने लगा। अब तक सारे काम नहायत खुश असलूबी से हुए थे। शेर वाला मामला महज इत्तेफाक था, वरना प्रोग्राम ये था कि किसी न किसी तरह एक शिकारी की हैसियत से उसके सामने आना है। ये मजे की बात है कि इस ड्रामे में एक मरहूम शेर की भी एंट्री हो गई थी। मैं पूरी संजीदगी से इन लोगों के साथ काम करने पर तैयार हो गया था। मेरे दिल के अंदर क्या था मेरा अल्लाह जानता था। अपना ईमान मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन हालात के धारे मुस्तकिल मेरे खिलाफ चल रहे थे और मैं बेबस हो गया था। इसलिए मैंने इस हद तक फैसला कर लिया था कि काली देवी और राजक्रोधनी के चंद्रकांता के खिलाफ गठजोड़ों का पूरी तरह मजा लूंगा और देखूंगा कि इन काले जादू के माहिरों के हथकंडे। इसलिए मैं बड़ी मेहनत से पांडे के नजदीक पहुंच गया था। एक राजाओं जैसी हैसियत रखने वाले शिकारी का कैंप जैसा हो सकता था, पांडे का कैंप ऐसा ही था।
यहाँ और भी लोग थे जो खिदमतगार थे। मेरी ऐसी अवभगत हुई कि मैं शर्मिंदा हो गया। पांडे ने मुझसे मेरे बारे में पूछा। आपके पीछे की कहानी नहीं मालूम हो सकी शक्ति जी, बस एक छोटे मोटे जमींदार का बेटा हूँ। शिकार के शौक ने माता पिता को नाराज कर दिया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं जंगलों में आ बसा। मेरे ये दोनों साथी हैं और मैं। माता पिता ने फिर आपको नहीं बुलाया? कभी नहीं, वो मुझे भूल गए और मैं उन्हें। मैंने कहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी याद आ गई थी जिनके लिए मैं कुछ नहीं कर सका था। पांडे ने समझा मैं उन्हें याद करके आपदीदा हो गया हूँ। कहने लगा, मुझे उस जगह का नाम बताइए जहाँ वो रहते हैं, मैं उनसे मिलकर उन्हें समझाऊंगा। जिस दिन आपने ऐसी कोई कोशिश की उस दिन के बाद दोबारा मैं आपको कभी नजर नहीं आऊंगा, ना ही मैं अपने घर के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने कहा और पांडे हंस पड़ा। ये होती है ना हट, जमींदारों के बेटा होना, वही जिद्दी दिमाग पाया है। अच्छा एक बात कहूँ, मान लोगे? बताइए। मेरे साथ बांदीपुर चलो, कुछ समय मेरे साथ बिताओ। बता चुके हो कि ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए परेशान हो। दो बातें हैं, बहुत बड़े शिकारी हो, हिंदुस्तान में नाम गूंज रहा है, मेरा मान बढ़ेगा कि ऐसा शिकारी मेरा मेहमान है, मेरा दोस्त है। दूसरी बात यह है कि इस समय मेरा जीवन तुम्हारी तरफ से दान हुआ है, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। थोड़ी सी आदोकदाह के बाद मैंने उसकी ये दावत मंजूर कर ली और पांडे ने खुश होकर कैंप उठा लिया। बांदीपुर और उसके नवाह बेहद हसीन, सरसब्ज और शादाब थे, हर तरफ तरक्त लहरा रहे थे। इसके बारे में मालूम हुआ कि ये शहर तिलक राम पांडे के बुजुर्गों ने आबाद किया था और उसके बाद इनकी हर नस्ल ने इसकी खूबसूरती में इजाफा किया था। इसकी शादाबियों में इस दरिया ने भरपूर किरदार अदा किया था, जो कहीं दूर से आता था और बांदीपुर के नवाहात को सैराब करता कहीं दूर निकल जाता था। तिलक राम की हवेली, जिसे किसी राजा का महल ही कहा जा सकता था, इंतहाई वसी इलाके में फैली हुई थी। इसके अंदर एक हसीन तरीन बाग था जो दरख्तों से भरा हुआ था। हवेली अंदर बाहर से बेहद शानदार थी, जिसकी मैं दिल से तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था। जिस मेहमान खाने में मुझे मेरे दोनों शिकारियों के साथ ठहराया गया था वो इस कदर शानदार था कि बयान से बाहर है। बहरहाल ये जिंदगी का नया तजुर्बा था। मैं यहाँ एक आम मेहमान या एक शिकारी की हैसियत से मुतारफ नहीं हुआ था, बल्कि हवेली के एक एक शख्स और पांडे के दोस्तों और शनासाओं को तफसील से बताया गया कि किस तरह मैंने पांडे की जान बचाई है। पांडे ने लोगों को बताया था, बात ये नहीं है कि सिर्फ वक्त पर गोली चला दी गई और शेर मर गया। अगर गोली जरा भी हल्की और सही जगह न पड़ती तो भगवान न करे शेर गोली चलाने वाले के परख से भी उड़ा सकता था। इसलिए मेरे मित्र ने अपनी जान का खतरा लेकर मेरी जान बचाई। अब ये बात तो मित्र के सिवा कोई नहीं जानता था कि इसमें इसका कोई कमाल नहीं था, बल्कि इसके पीछे पुरसरार जादुई कुव्वतें काम कर रही थी और बेचारा शेर काली देवी के जादू का शिकार हुआ था। चंद्रकांता के खिलाफ होने वाली साजिश कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। वैसे ये कमाल की बात थी, इकतदार का खेल कैसा अजीब था। ये जीरू इस खेल में मसरूफ था, बात सिर्फ इंसानों ही की नहीं, जानवर तक इस जुनूनी का शिकार थे, जिसका मुजाहरा हर जगह देखा जा सकता था। पूरी दुनिया में काले जादू की धूम है, इसके लिए भी साजिशें होती हैं, इसमें भी जोड़ तोड़ किए जाते हैं, और अगर चंद्रकांता के खिलाफ दो बड़ी गंदी कुव्वतें यकजा हुई थी तो जाहिर है वो कोई मामूली ताकत नहीं होगी। वैसे मैंने उसे अभी नहीं देखा था। गालिबन तीसरा दिन था कि दो बांदियाँ मेरे पास आई, नौजवान और खूबसूरत लड़कियाँ थीं, जिंदगी और जवानी से सजी हुई। शक्ति आनंद महाराज, इनमें से एक ने कहा, हाँ मैं हूँ, हमें मालूम है, जीवती जी आपसे मिलना चाहती है। शोक सी लड़की ने कहा, जीवती जी? मैंने पुरख्याल लहजे में कहा और मुझे याद आ गया, मुझे जीवती राय के बारे में बताया गया था जो तिलक राम की बहन थी। ये भी बताया गया था कि जीवती राय चंद्रकांता की मुखालिफ है। इस जीवती ने मुझे बुलाया था। तुम दोनों को यकीन है कि उन्होंने मुझे ही बुलाया है? हाँ शक्ति आनंद जी, वो हैरानी से बोली। नहीं मेरा मतलब है, खैर वो कहाँ है? मोती अंग में, एक बोली। अब मैं तुमसे पूछूंगा ये मोती अंग कहाँ है? पूछने की ज़रूरत ही क्या है, हम जो आपको वहाँ ले चलेंगे। कैसे? न जाने क्यों मुझे शरारत सी सूझ रही थी। पाऊँ पाऊँ, हम इतने मेहमान शिकारी को उठाकर तो नहीं ले जा सकते। वो दोनों भी खूब हाजिर जवाब थीं। मोती अंग अंदरूनी हवेली का मशरक़ी हिस्सा था, खूबसूरत फलदार दरख्तों में घिरी हुई एक हसीन जगह, जहाँ वो मुझे लेकर गईं और एक खूबसूरत निश्चित गाह में बिठाकर चली गईं। वो यकीनन जीवती राय को इतला देने गई होंगी। मेरे जहन में बहुत सी कहानियाँ गर्दिश करने लगीं। बचपन में सुनी शहजादे और आलमताब शहजादियों की कहानियाँ, जिनमें हर शहजादी चंदे आफ्ताब चंदे महताब होती थी और लाजमी तौर पर शहजादे आलमताब पर आशिक हो जाती थी। इसी में एक शहजादी ने मुझे बुलाया था और मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। मैं अपनी सोचों पर बेख्तियार हंस पड़ा। बचपन की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती हैं,
दादी अम्माओं के दिल इन कहानियों में जरूर धड़कते होंगे, वो गुड्डू के दादा का तस्वर करती होंगी और झूठी कहानियाँ गढ़ती होंगी, लेकिन बच्चों के जहन में वो कहानियाँ जरूर घर कर जाती हैं और बाज़ औक़ात जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो शहजादी गुलनार को तलाश करते रहते हैं और इस सिलसिले में मज़ीद कहानियाँ बुनती रहती हैं। इस वक्त मैं भी हुस्न व जमाल की सूरत किसी शहजादी के इंतज़ार में बैठा था। ये अलग बात है कि अभी कुछ मिनटों में एक खुर्राट बड़ी अम्मा मुझे घूरती हुई आई और बोली, तो तुम हो शक्तियानंद। और बड़ी अम्मा आ गई। मैंने सामने से आलमताब की महबूबा को आते हुए देखा। वो वाकई फूलों की आग थी, शोख आंखों वाली एक हसीना जिसका कयामत खेज हुसन ऐसा ही था कि दादी अम्मा की कहानियाँ सच्ची हो जाएं। इसकी उम्र बमुश्किल 20 साल होगी। बाल सुनहरे और बहुत लंबे थे, आंखें गहरी नीली थीं। कुछ लम्हों के बाद वही अल्फाज सुनाई दिए, तो आप हैं शक्ति आनंद जी। आवाज़ का हुसन भी चेहरे का साथ देता था। मैंने खड़े होकर गर्दन खम कर दी। हम प्रणाम करें, हालांकि लोग हमें प्रणाम करते हैं। चलिए, अब तो वक्त ही गुजर गया। असल में आप इस कदर हसीन हैं कि इंसान खुद अपने आप को भूल जाता है। मैंने कोई तकल्लुफ नहीं किया। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत नजर आई। यकीनन वो राजकुमारी ही थी, इसलिए इस बेतकल्लुफी से बात करने की जरूरत किसी की ना होती होगी। और फिर मैंने फट से उसके हुस्न की तारीफ कर दी थी। ये बात इसलिए खुशगुन भी थी और भाई से हैरत भी, लेकिन उसके चेहरे का तासर अच्छा हो गया था। बहुत मुँह फटो, बेशक गुस्ताखी की है, माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी हम आपके आभारी हैं, आपने मेरे भैया जी की जान बचाई है। ये भगवान ने मुझे एजाज़ बख्शा है। मेरे मुँह से खुदा निकल रहा था, लेकिन फिर मैंने एकदम अल्फाज बदल दिए थे। बिल्कुल इसी तरह मैं प्रणाम वगैरह नहीं कर सकता था। लाख मुझे तरबियत दी गई थी कि मैं एक हिंदू किरदार बन जाऊँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। और फिर हालात की मजबूरी ने जमान का रुख थोड़ा सा बदल दिया था, लेकिन इसका रुख शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं बदल सकता था। फिर भी हमें आपका शुक्रिया अदा करना था, ये आपकी बड़ाई है। मैं एक शिकारी हूँ और मैंने एक शिकारी की जान बचाई है। महाराज तिलक राम पांडे एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए कहा, मैं आ गया। एक बात पूछूँ? जी, क्यों मारते हो जीते जागते जानवरों को? वो भी भगवान की मर्जी से संसार में आते हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। तुम लोग कितनी आसानी से उनसे जीवन छीन लेते हो और फिर खुद को बड़ा शिकारी कहलवाते हो। ये सवाल आपने पांडे जी से किया है? नहीं, क्यों? बस तुमसे करने को जी चाहा, तुम भी तो बहुत बड़े मशहूर शिकारी हो। सिर्फ खूनी दरिंदों का शिकार खेलता हूँ, कमजोर जानवरों को कभी नहीं मारता। वो तो भैया जी भी शेरों के शिकारी हैं। ठीक करते हैं, आपको इल्म हो गया होगा कि एक शेर ही उसका जीवन ले रहा था। हाँ, भगवान ने मेरे भैया को बचा लिया। अपने गोली चलाने के शौक को दूसरे शिकारी कमजोर जानवरों से पूरा करते हो तो करते हो, हम उन्हीं जानवरों को मारते हैं। कहीं हम ना मारें तो वो हमें मार दें। एक और बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो? नहीं कुमारी जी, ज़रूर कहें। तुम बहुत सुंदर हो, उसने कहा और खूब हंसी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा कि अगर मैं अपनी मुश्किलात का शिकार ना होता, अगर मेरा वास्ता दूसरे मसाइल से ना पड़ा होता, तो ये लड़की बासानी मेरे हवास छीन सकती थी। वैसे ये मज़े की बात थी कि मेरी तकदीर में हिंदू लड़कियाँ लिखी थी, गंगाश्री, मनिका और अब ये बीबी। वो हंसने के बाद रुकी और फिर बोली, हालांकि मैं ये बात नहीं कोई और बात कह रही थी। वो भी कह दें, इस संसार में तो सारे ही दरिंदे हैं, मनुष्य से बड़ा दरिंदा तो कोई नहीं है। हर मनुष्य अपने सुंदर जीवन के लिए दूसरे मनुष्य का दुश्मन बन जाता है और घात लगाकर बैठ जाता है। बात तो एक जैसी ही है। मैं खामोश रहा, इसकी बात बिल्कुल सच थी। इसका सबसे ज़्यादा तजुर्बा मुझे था, क्योंकि मैं दुश्मनों की ठोकरों में था, जबकि मैंने खुद किसी से दुश्मनी का आगाज़ नहीं किया था। वो फिर बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि ये बातें करूँ। असल में मेरी किसी से दोस्ती नहीं है, यहाँ मौजूद तमाम लोग मामूली जहन रखते हैं, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इनसे दोस्ती करूँ। शकुंतला ने तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें बुलाकर तुमसे बात तो की जाए। शकुंतला कौन है? मैंने पूछा। मेरी दासी, इनमें से एक जो तुम्हें बुलाकर लाई है। क्या बताया उसने? मैंने कहा तो वो फिर हंस पड़ी। मेरा मजाक उड़ाया होगा? हाँ, वो बदस्तूर हंसते हुए बोली, ओहो मुझे बताइए। कह रही थी शीतल, कोमल, निर्मल, इंद्र के खाड़े से आया है, जैसे बहुत ही सुंदर और सचमुच का शिकारी जो लम्हों में मन का शिकार कर ले। वो शरारत भरी आंखों से मुझे देख रही थी, फिर उसने कहा, यही कहा था उसने तुम्हारे बारे में। फिर तो आप उसे सजा दें। सजा क्यों? उसने झूठ बोला था मेरे बारे में आपसे। नहीं, मुझे तो सच लगता है। चलो छोड़ो, मुझसे दोस्ती करोगे?
मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कहा। क्यों, मेरे बारे में हर फैसला पांडे जी करेंगे, जो इनका हुक्म होगा उनकी मर्जी के बगैर मैं किसी बात के लिए कैसे हल कर सकता हूँ। तुम सच्चे भी हो, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं भैया जी से बात करूंगी, अब मैं चलती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नमस्ते। इसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाया और वापसी के लिए मुड़ गई। मैं इसे जाते हुए देखता रहा और मैंने दिल में एतराफ़ किया कि इसका हुस्न बेमिसाल है। अभी मैं सोचों में गुम था कि वही दोनों दासियां आ गईं जो मुझे यहाँ तक लाई थीं, और उनमें से एक शकुंतला थी। जिस मेहमान खाने में मुझे ठहराया गया था वो बेहतरीन था। हालांकि कई बड़े बड़े कमरे थे, लेकिन उनमें मेरे अलावा कोई मेहमान नहीं था। हाँ, कई खादिम थे जो मेरी ज़रूरतें पूछते रहते थे। रात हो चुकी थी, मैं अपने बिस्तर पर बैठा सोचों में गुम था। मैं सोच रहा था कि मैंने बंसीराज और केदारी की ख्वाहिश के मुताबिक भरपूर तरीके से अपना काम पूरा किया है। मैंने ना सिर्फ बड़ी खूबसूरती से तिलकराम तक रसाई हासिल की है, बल्कि बहुत मुख्तसर वक्त में जीवती राय तक भी पहुंच गया हूँ, जिसके करीब होने की मुझे हिदायत की गई थी। और अब चंद्रकांता रह गई थी, जो मेरी असल शिकार थी। चंद्रकांता, न जाने वो क्या शय है। वैसे एक बात कई बार मेरे जहन में आई थी, मुझे मालूम था कि तिलकराम पांडे इस जंगल में शिकार खेल रहा है। मैंने किसी न किसी तौर से उस तक रसाई हासिल कर ही ली, लेकिन शेर वाले वाकये ने लम्हों में काम कर दिखाया था। वो वाकई एक दिलचस्प इत्तेफाक था। ना जाने कितनी देर तक मैं ये सब कुछ सोचता रहा, फिर नींद आ गई। सोते हुए ना जाने कितनी देर गुजरी थी कि अचानक किसी खटके से आंख खुल गई। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसी तरह की दूसरी आवाज़ हुई और मेरी नज़रें दरवाजे की तरफ उड़ गईं। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन यह आवाज़ ऊपर से रोशनदान का शीशा खुलने की थी। दरवाजे के ऐन ऊपर एक खूबसूरत रोशनदान बना हुआ था, और इस वक्त इस रोशनदान में मुझे जो कुछ नजर आया, उसने एक लम्हे के लिए मेरे दिल में एक अजीब एहसास पैदा कर दिया। ये कोई जानवर था। गौर से देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। शेर का चेहरा था, बिल्कुल शेर का चेहरा। इसकी भूखी खूंखार आंखें मेरी तरफ उठी हुई थी। रोशनदान में शेर, जबकि दरवाजा काफी ऊंचा था। बाहर की कैफियत का भी मुझे अंदाजा था। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज नहीं थी कि शेर उस पर चढ़ सके। और फिर ये बेवकूफ़ी की सोच थी कि एक शेर इतनी शानदार हवेली में, जहाँ पहरेदार ही इतने थे कि दो चार शेर भी आ जाते तो गुम कर रख दिए जाते, तो फिर ये क्या था। मेरे हवास जाग गए और मैं गौर से रोशनदान से झांकते हुए चेहरे को देख रहा था। फिर मेरे जहन में एक और ख्याल आया, बिल्ली। ये ख्याल खुद बड़ा मजाक खेज था। इतनी बड़ी बिल्ली, जिसका चेहरा ही रोशनदान के तूलो अर्ज में समाया हुआ था। इस चेहरे में दो जलती हुई आंखें, जिनके गिर्द एक नीला दायरा रक्सा था, और इनमें दो पुतलियां सीधी खड़ी नजर आ रही थी। मैंने सिर्फ जायजा लेने के लिए इन आंखों में झांका था, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे रोशनी की दो लकीरें इन आंखों से निकलकर मेरी आंखों में दाखिल हुई हैं, और आंखों के रास्ते दिमाग में। साथ ही पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई और बदन बेजान लगने लगा था। मैं पथरीली नजरों से रोशनदान से झांकती आंखों को देखता रहा, जो मुझ पर सहरदारी कर रही थी। फिर इन आंखों में जुम्बिश हुई और मुझे यूं लगा जैसे शेर अंदर सर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। इसका चेहरा रोशनदान से अंदर दाखिल हो गया, फिर उसका जिस्म भी। लेकिन चेहरा जितना बड़ा था, जिस्म उसकी नस्बत बहुत छोटा था। और आने के बाद पता चल गया कि वो बिल्ली है, लेकिन शेर के चेहरे के बराबर वाली बिल्ली है। पुरसरार बिल्ली रोशनदान से एक कॉन्स पर कूदी और फिर वहां से नीचे जमीन पर। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे घूरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने एक बार फिर अपने बदन को मुतहरिक करने की कोशिश की, लेकिन मेरा बदन मेरा था ही कहाँ। वो टस से मस न हुआ। बिल्ली मसहरी के पास आ गई और फिर उसने मसहरी पर छलांग लगाई और ऊपर आ गई। मैं उसे देख सकता था, ना तो हाथ पांव से भगा सकता था और ना मुंह से आवाज निकाल कर। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता मसहरी पर चल रही थी। सबसे पहले इसने मेरे दोनों हाथ सूंघे, फिर दोनों पांव, और कुछ अंदाजे लगाकर अचानक मेरे सीने पर चढ़ गई। लेकिन मेरे सीने पर इसका कोई वजन महसूस नहीं हुआ। फिर वो मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त की बेबसी को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो मेरे सीने पर चढ़ती मेरे चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। मैं इसकी जलती हुई आंखें देख चुका था। वो कुछ भी कर सकती थी, मेरा चेहरा खुरच डालती, मेरी आंखें निकाल कर चबा जाती। सब कुछ उसके इख्तियार में था। दफातन रोशनदान पर दोबारा आहट हुई और मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने वाली बिल्ली एकदम चौकन्नी हो गई। इसने रोशनदान की तरफ देखा। रोशनदान में उसी की नस्ल की एक अजीबुल खलकत बिल्ली नमूदार हुई और एक लम्हा जाया किए बगैर वहीं से उसने दूसरी बिल्ली पर छलांग लगा दी। वो इस पहली बिल्ली पर हमलावर हुई थी। दूसरी बिल्ली फुर्ती से मुझ पर से हटकर नीचे कूद गई। दूसरी बिल्ली मेरे सीने पर आने की बजाय गद्दे पर आई और पलक झपकते उसने पहली बिल्ली पर दूसरी छलांग लगा दी। और फिर तो कयामत बरपा हो गई। दो हौलनाक बदरूहें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। इनके हलक से भयानक आवाजें निकल रही थी।
दोनों एक दूसरे की गर्दन चबाने की कोशिश कर रही थी। मैं फटी फटी आंखों से ये जंग देख रहा था। ऐसी खौफनाक लड़ाई मैंने पहले नहीं देखी थी। बिल्लियां एक दूसरे को खत्म कर देना चाहती थी। कुछ लम्हों के बाद मुझे महसूस हुआ कि दूसरी बिल्ली पहली बिल्ली पर हावी होती जा रही है। पहली बिल्ली भागने की कोशिश में थी और वही हुआ। जैसे ही पहली बिल्ली को मौका मिला, इसने पांव दबाए और एक लंबी छलांग लगाकर कॉर्न्स पर चढ़ गई। फिर वहां से दूसरी छलांग लगाकर रोशनदान पर। दूसरी बिल्ली ने इससे ज्यादा कुव्वत का मुजाहिरा किया। उसने जमीन से बराह रास्त रोशनदान पर छलांग लगाई थी, लेकिन रोशनदान बहुत बुलंदी पर था और वो इसके किनारे न पकड़ सकी और वापस नीचे गिर पड़ी। लेकिन नीचे गिरते ही इसने दोबारा कोशिश की। इस बार वो पहले कॉर्न्स पर, फिर रोशनदान पर पहुंची और फिर बाहर निकल गई। मैं जल्दी से पलंग से नीचे उतर आया। ये कोई आम वाकया नहीं था। पहले तो बिल्लियां ही गैर मामूली थी। शेर जैसे मुंह वाली बिल्लियां न कभी सुनी न देखी। फिर ये अजीब और हौलनाक जंग कुछ अजीब सी कैफियत की हामिल थी। मैंने तेज रोशनी जलाई और रोशनदान का जायजा लेने लगा। एक जगह थोड़ा सा खून पड़ा हुआ था। बिल्लियां अच्छी खासी जख्मी हुई थी। ये फैसला बासानी किया जा सकता था कि वहां बिल्लियां थी ही नहीं। अब मैं कोई आम इंसान नहीं था, गुज्जर घाट का एक मामूली सा बच्चा जिसकी जिंदगी खूबसूरत रिश्तों के दरमियान आगाज हुई थी, अब जादूगरों के चक्कर में फंसी हुई थी और इसका कोई पुरसाने हाल न था, जबकि मेरा कोई कसूर भी न था। मैं एक जगह बैठकर सोचने लगा। बंसीराज और केदारी ने दो देवियों के कहने पर मुझे यहाँ भेजा था कि मैं तीसरी देवी के खिलाफ काम करूँ। मैं जिसे इन देवियों के नाम से भी घिनाती थी, मैं इनका पैरोकार बना हुआ था। मेरा मालिक, तू जानता है कि मैं अगर ये गुनाह कर रहा हूँ तो बेहद मजबूरी के आलम में। मुझ पर बुरा वक्त आया हुआ है और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा। तू मेरी ज़िंदगी का मालिक है, मेरी ज़िंदगी तेरी अमानत है। मैं हर वक्त तेरी अमानत वापस करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे, इस खैरियत के साथ मुझे वापस दे दे। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मेरा जहन भी बिल्लियों की तरफ चला गया। पहली बिल्ली कौन थी? वो मुझे क्यों सूंघ रही थी और क्या चाहती थी? वो मेरे चेहरे की तरफ बढ़ रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो मेरी आंखें भी निकाल लेती तो मैं इसे नहीं रोक सकता था, क्योंकि मेरा बदन बेजान था। मैं हाथ पांव तक नहीं हिला सकता था। तबीयत पर एक बोझ सा तारी हो गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आया। ताहद्दे निगाह खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ हू का आलमतारी था। मेहमान खाना अंदरूनी रिहाइश से काफ़ी दूर था। मैंने अपने कमरे के पीछे जाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी न था। हवेली के अहाते के पास चौकीदारों के साए नजर आ रहे थे। मैं कमरे में वापस आ गया। न जाने कब तक जाकर मुख्तलिफ बातें सोचता रहा, फिर नींद आ गई। दूसरी सुबह थकी थकी सी थी। रात के वाकयात जहन को बोझल किए हुए थे। असल में बात कुछ समझ में नहीं आई थी और किसी से इस बारे में भी नहीं की जा सकती थी। मेरे साथी सिर्फ शिकारी थे। पता चल गया था कि इनका इस पुरसरार वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। जागने के बाद ऐसे ही बोझल बोझल सा बैठा रहा, फिर गुसल खाने की तरफ बढ़ गया। तैयार होकर बाहर निकला ही था कि किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। कौन है, आ जाओ। दो अजनबी लड़कियां अंदर दाखिल हुई। उनमें से एक ने कहा, बड़े महाराज ने हमें कहा था कि आपके कमरे में जाकर देखें। अगर आप जाग रहे हो तो थोड़ी देर के बाद महाराज के साथ नाश्ते के लिए अंदर तशरीफ ले आए। ठीक है, तुम लोग थोड़ी देर के बाद मुझे नाश्ते के कमरे में पहुँचाने आ जाना। मुझे अंदर के बारे में मालूम नहीं है। जी महाराज, लड़कियों ने कहा और वापस चली गई। मैं सोचों में डूबा रहा। कुछ देर के बाद वही दोनों लड़कियां आईं और मैं उनके साथ चल पड़ा। तब मैंने ये हवेली दूर से देखी। हवेली क्या राजमहल था। हर चीज़ काबिले दीद। डाइनिंग रूम नहीं, डाइनिंग हॉल था। अजीम और शान मेज पर बेशुमार लोगों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन इस वक्त यहाँ सिर्फ दो अफराद थे। एक तिलकराम पांडे, दूसरी शख्सियत संगमरमर की एक मूर्ति थी। मेरी निगाह उसकी तरफ उड़ गई और फिर जैसे पथरा कर रह गई। इतने हसीन नकोश, इतना खूबसूरत चेहरा, सही मायनों में मुगलिया हुसन का शाहकार मालूम होती थी। कद-ओ-क़ामत भी बेमिसाल, बहुत ज़्यादा हसीन। उसकी आँखें थीं, मेरे खुदा, इतनी हसीन, इतनी पुरकशिश आँखें। लेकिन दूसरे लम्हे एक खौफनाक तासुर भी सामने आया। इन आँखों की पुतलियाँ एक सीधी लकीर की शक्ल में थीं। उफ मेरे खुदा, ये क्या है? दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। इसी वक्त पांडे की आवाज़ उभरी, स्वागतम स्वागतम, शक्ति आनंद जी स्वागतम, आइए। मैंने चौंक कर खुद को संभाला और उसके करीब पहुंच गया। पांडे ने अपने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठिए शक्ति जी, हम आपके आभारी हैं, बैठिए। आप बार बार इसका तस्करा करके मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि हिंदुस्तान में शिकारी दुनिया के इस अजीम सरमाए के लिए छोटा सा काम कर सका। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और पांडे हंस पड़ा।
मेरी जान बच गई और आप इसे छोटा सा काम कह रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद कहता हूँ। फिर उसने कहा, मैं ही नहीं चंद्रकांता भी आपकी एहसानमंद है। ये मेरी धर्म पत्नी चंद्रकांता है। चंद्रकांता ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए थे। मैंने गहरी नजरों से उसे देखा तो ये चंद्रकांता ही की वजह से काले जादू की माहिर दो शख्सियतें परेशान थीं। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में काली के पैरोकार फैले हुए थे। जादू की दुनिया में इसका कोई सानी नहीं था। ये वो शख्सियत थी जिसने इन दोनों ताकतों को परेशान कर दिया था। अचानक मैं चौंक पड़ा। पहली बार मैंने उसे गहरी नजरों से नहीं देखा था। दोबारा इसे देखा तो इसकी पेशानी और गर्दन पर दो तीन जगह मेडिकल टेप लगे हुए थे और आंखें, ओह मेरे खुदा, वही आंखें थी जो मैंने रोशनदान में देखी थी। इस वक्त खौफ की वजह से मैंने इनकी आंखों के हुस्न का अंदाजा नहीं किया था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि चंद्रकांता ही वो पहली बिल्ली थी जिसे मैंने रोशनदान में और फिर अपने सीने पर देखा था। आप इनके चेहरे पर ये जख्म देख रहे होंगे। पांडे ने शायद मेरे चेहरे के तासुरात भाप लिए थे। हाँ देवी जी के, मैंने जल्दी से कहा, तुम इन्हें भाभी जी कह सकते हो। बहुत मान दे रहे हैं आप मुझे, मैंने कहा। तुम इससे ज्यादा के मुस्तहिक हो यार, बार बार मुझसे कहलवा रहे हो। एक शिकारी के पूरे तजुर्बे को सामने रखकर मैं कह रहा हूँ कि शेर ने मेरे चीथड़े उड़ा दिए थे अगर तुम जैसा माहिर शिकारी माहिराना अंदाज में इस पर गोली न चलाता। ये एक माहिर शिकारी का ही काम था, किसी अनाड़ी का नहीं। ऐसे हालात में तुम्हें जितना भी मान लूं कम है। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारी भाभी जी रात को सोने में चलने की आदी हैं, अक्सर रातों को उठकर चल पड़ती हैं, कई बार हादसे पेश आ चुके हैं। पिछली रात भी उठकर कहीं चल पड़ी थी, एक खिड़की से टकरा गई, खिड़की के शीशे टूट गए और ये जख्मी हो गई। ओह अफसोस हुआ, मैंने कहा। नौकरों ने नाश्ते से मेज भर दी। तीन आदमियों के लिए जो नाश्ता लगाया गया था वो 13 आदमियों के लिए काफी था। मैं नाश्ता करते हुए सोच रहा था कि ये तो तय हो गया कि पहली बिल्ली चंद्रकांता थी, लेकिन वो दूसरी बिल्ली कौन थी? फिर अचानक मेरे जहन में बिजली कौंधी। जीवती राय, वो दूसरी हुसन की मूरत, नौखेज, नौ उम्र और ओह हो सकता है बल्कि 100% हो सकता है। दोनों के दरमियान खौफनाक जंग हुई थी जिसके आसार चंद्रकांता के चेहरे पर नजर आ रहे थे। नाश्ता जारी था, तिलकराम ने कहा, शिकार का शौक तुम्हें कब से है शक्तियानंद? बचपन से महाराज, बस ना जाने क्यों दरिंदों से दुश्मनी हो गई, मैंने हंसकर कहा। बड़ा नाम कमा लिया है तुमने छोटी सी उम्र में, तुमने इनका नाम सुना था कभी कांति? तिलकराम ने उसे मुखातिब करके कहा, सैकड़ों बार, पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बाली सी उम्र है इनकी, चंद्रकांता ने कहा। तुम्हें हैरत हुई शक्ति कि मुझसे ज्यादा कांति एडवेंचर पसंद है? कभी कभी ये शिकार में भी मेरे साथ होती है। हिमालिया की तराइयां बेशुमार इसरार से भरी हुई हैं। वहां की पुरसरार दास्तानें सुनते हैं तो मारे मन डूल जाते हैं। हमने एक मंसूबा बनाया है, हम वहां जाएंगे जहां अब तक इंसानी कदम नहीं पहुंचे। हम यानी मैं और चंद्रकांता इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, चंद्रकांता मेरा दाएं हाथ है। शक्ति जी को अपना बायां हाथ बना ले पांडे जी, चंद्रकांता ने खूबसूरत आवाज में कहा। मेरे मन की बात छीन ली तुमने, चंद्रकांता का माजी इन पहाड़ों में गुम है। वो अपने माजी को तलाश में भी वहां जाना चाहती है। मैंने सच कहा है पांडे जी, कि इस पे गौर करें। चंद्रकांता बेख्तियार बोली। क्या? पांडे इसकी बात ना समझ सका। यही कि हमें इतने शानदार शिकारी का साथ मिल जाता। हाँ मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ। वैसे ये शक्ति आनंद को तैयार करना तुम्हारा काम है कांति, मैं इन्हें तैयार कर लूंगी। इसने मुझे देखा और मुझे इसकी आंखें अपने दिमाग में उतरती महसूस हुई। मुझे विश्वास है, पांडे बोला। नाश्ता खत्म हो गया था, मैंने कहा, मुझे इजाजत पांडे जी। ठीक है, एक बात तुमसे कहूँ? जी। जितना तुम तकल्लुफ कर रहे हो इतना ना करो। हवेली में सबको हिदायत कर दी गई है कि तुम सिर्फ मेहमान नहीं हो बल्कि घर के एक फर्द हो। पूरी हवेली में मन चाहे जहाँ जा सकते हो। मेहमान खाने में कोई तकलीफ हो तो अंदर हवेली में तुम्हारे लिए कोई कमरा तैयार कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जल्दी से कहा। क्यों? इस बार चंद्रकांता ने कहा, मुझे वहां कोई तकलीफ नहीं। जी, इसे बाद में देखेंगे, इसने कहा। पांडे ने एक मुलाजिम से कहा कि मुझे मेहमान खाने में छोड़ आए, मैं खुद चला जाऊंगा, शुक्रिया। हाँ, इन्हें अकेला जाने दो वरना हवेली के रास्ते कैसे मालूम होंगे? इसने मुझे फिर गौर से देखा और मुझे यूं लगा जैसे कुछ नशा चढ़ रहा हो। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद मैं मेहमान खाने में पहुंच गया। एक कुर्सी पर बैठकर मैं इन वाकयात के बारे में सोचने लगा। एक अनोखा ख्याल मेरे दिल में आया था। अब तक मुझे जो खूबसूरत लड़कियां मिली थी वो सब हिंदू थी। कोई मुसलमान लड़की मुझसे कभी नहीं टकराई थी। हालांकि मेरे किरदार में कभी लचक नहीं आई थी, लेकिन इंसान तो मैं भी था।
यहाँ बांदीपुर में मुझे जीवती राय मिली थी, हुस्न जमाल की मूरत वो जहन पर सवार थी कि चंद्रकांता नजर आ गई। उफ क्या हुस्न है, इसका एक एक नक्श शहर में गिरफ्तार करता था। लगता था किसी संत राश ने अपना आफाकी कमाल दिखाया है। संगे मरमर की इससे हसीन मूर्ति कभी ना बनाई गई होगी। और जीवती, न जाने क्यों ये बात मेरे जहन में सरसरा रही थी कि दूसरी बिल्ली जीवती राय के अलावा और कोई नहीं थी। मुझे बता दिया गया था कि बांदीपुर में तिलकराम के घर में चंद्रकांता के अलावा एक और किरदार भी है जो जीवती राय है और जीवती कांता की दुश्मन है। अभी कुछ देर पहले थक हार के मुझसे कहा था कि मैं अपने आप को मेहमान खाने में कैद ना रखूं और हवेली में जहां चाहे घूमूं फिरूं। चुनाचे एक बार फिर मैंने वॉशरूम में जाकर खुद को संवारा और फिर जीवती की तलाश में चल पड़ा। पूरी हवेली के अंदरूनी हिस्सों में घुसना तो मायूब था, लेकिन मैंने उसके लिए एक बांदी का सहारा लिया, वो उधर से गुजर रही थी। सुनो, मैंने इससे आवाज़ दी और वो रुक गई। इधर आओ, मैंने दोबारा कहा और उसने मेरे करीब आकर दोनों हाथ जोड़ दिए। जी महाराज, जीवती राय कहाँ मिलेंगी? अभी पिछले बाग में गई हैं। अकेली हैं? नहीं, दासियां साथ हैं। मैंने इस जगह के बारे में मालूमात हासिल की और इस तरफ चल पड़ा। जीवती राय मुझे फूलों के एक कुंज के पास नजर आ गई। हुस्न का एक खजाना भरा हुआ था। इस हवेली में एक तरफ चंद्रकांता सुलगती हुई आग थी तो दूसरी तरफ जीवती राय दहक रही थी। हालांकि मैं जिस फितरत का इंसान हूँ आपको इसका अंदाजा हो गया था, लेकिन हुस्न को देखकर जो मुतासिर ना हो वो इंसान नहीं है। ये तो कुदरती जज्बा होता है जो इंसानियत की शनाख्त कराता है। मेरा दिल चाहा कि दूर खड़ा जीवती को देखता रहूं, जो फूलों के कुंज के पास खड़ी फूलों से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जीवती ने ही मुझे देख लिया। फिर उसने बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे देखकर पूरा हाथ खड़ा कर दिया। वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। मैं आगे बढ़ गया, करीब पहुंचा तो दोनों दासियां जो उसके साथ थी मुड़कर वापस चली गईं। शायद जीवती ने जाने के लिए कहा था। मैं करीब पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने भी उसी के अंदाज में हाथ जोड़े तो वो हंस पड़ी। कितने सुंदर लग रहे हो इस समय, उसने मुझे देखकर तारीफी नजरों से कहा। ये तो उल्टी बात हो गई, मैं बोला। क्यों, उसने एक अदा से कहा। सुंदर तो आप लग रही हैं, मैंने दूर से आपको देखा तो दिल चाहा देखता ही रहूं। अरे वाह, अब तुम बदला ले रहे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, आप राजकुमारी हैं, मेरी इससे ज्यादा जुर्रत नहीं हो सकती। इससे ज्यादा किया करो, मुझे अच्छा लगता है, इसने लगावट से कहा। मैं अब इन बातों को अच्छी तरह समझ गया था। वो मासूम फितरत अशरफ खान नहीं रहा जो गुज्जर घाट की हवेली का बेवकूफ था। कैसी गुजर रही है यहाँ? बड़ी मेहरबानी है आप सबकी, मैंने उसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा। इसका चेहरा बेदाग था जबकि चंद्रकांता ठीक ठाक जख्मी नजर आ रही थी। मैंने खुद ही अंदाजे लगाए थे कि बिल्लियों के रूप में ये दोनों थी, हालांकि वो और बलाएं भी हो सकती थी। आजकल तो मैं बलाओं का चहीता था और खौफनाक बलाएं मेरे इर्द गिर्द भटकती रहती थी। मुमकिन है बिल्लियों का खेल ही दूसरा हो, चंद्रकांता के चेहरे के जख्म किसी और वजह से लगे हों। पांडे ने इसकी वजह सोते में चलना बताया था, या फिर ये हो सकता है कि दूसरी बिल्ली जीवती राय ना हो। आओ यहाँ से चलते हैं, वो अचानक बोली और एक तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उसके हुस्न के सहर में पूरी तरह गिरफ्तार हो गया था। उसका अंग अंग इस कदर पुरकशिश था कि दिल की धड़कनें रुकने लगी। वो मुझे काफी दूर हवेली के एक दूसरे गोशे में ले आई और इस इलाके को देखकर मैं दंग रह गया। यह हवेली का पिछला हिस्सा था। एक जगह से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरती थी, दूसरी तरफ का मंजर बेहद सहरनाक था। चौड़े पत्तों वाले दरख्त फैले हुए थे जिन्होंने सर जोड़कर साइबान बनाया हुआ था। इनके नीचे ठंडक ही ठंडक थी। यहाँ बेहद खूबसूरत और आरामदेह कुर्सियां पड़ी हुई थी। ये है हमारा महाराज स्थान, वो बोली। स्वर्ग कोशा लगता है, मैंने उसी जबान में बोलना जरूरी समझा ताकि उसे मुझ पर कोई शुबा ना हो। बड़ा अच्छा जुमला अदा किया तुमने, हमें अच्छा लगा, बैठो, वो बोली। मैं बैठ गया तो वो भी मेरे सामने बैठ गई और मुझे गौर से देखने लगी, फिर बोली, ना जाने क्यों मन करता है कि तुम्हें अपने बारे में बताएं। पहले एक बात तुम्हें बता दें, हम जो झूठ नहीं बोलते, किसी को मित्र समझते हैं, उससे यही चाहते हैं कि वो हम पर विश्वास करे। मैं मानता हूँ, मैंने कहा, हमारे बारे में क्या जानते हो? आप राजकुमारी हैं, तिलकराम पांडे जी की बहन। नहीं, हम इनकी बहन नहीं है, यूं समझ लो वो हमें बहन नहीं समझते हैं। ओह, ये बात तो शायद कोई भी नहीं जानता होगा, मैंने कहा। हम मेयर संकट हैं, उसने कहा। पहले मैंने उसके अल्फाज को सरसरी सुना फिर चौंक पड़ा। ये लफ्ज तो उन लोगों ने मेरे लिए इस्तेमाल किया था और मुझे बताया था कि मैं मेयर संकट हूँ, इसलिए बहुत सो को मेरी जरूरत है, खास तौर से काले जादू वालों को।
लेकिन ये म्योर संकट होता क्या है? बादलों के गोल चंद्रमा के पास होते हैं, वो इससे चांदनी उधार मांग के खुद ही समेट लेते हैं, और फिर जब वो धरती पर बरसते हैं तो सभागना की फूल अपना मुंह खोल देते हैं। इनमें से कोई फल में इतना भगवान होता है कि चंद्रमानी का सोम इसके मुंह में भून टपक जाता है। वो अपनी पत्तियां बंद कर लेता है और चंद्रमाती फूल के शरीर में जीवन पाती है। फिर वो समय पूरा करके संसार में आ जाती है। हम वो हैं। मैंने उसे देखा, ये बैठे बैठे कैसे खिसक गई? अभी तो अच्छी खासी थी, या फिर ये मुझे बेवकूफ बना रही है। लेकिन मुझे संभल कर रहना था। मैं एक बहुत बड़े जंजाल में आ फंसा था। अकल से काम लेता था, वरना किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता था। उसकी आंखें ख्वाबनाक हो रही थी और इस आलम में कमबख्त और हसीन लग रही थी। सभागना के पेड़ की छांव में हम बड़े हुए और फिर तिलक राम महाराज ने हमें देखा और वो हमें यहाँ ले आए। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वो बिल्कुल संजीदा और खोई खोई सी थी। मुझे यूं लगा जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो। मेरी कहानी जारी है। आपने देखा किस तरह एक नाकर्दा गुनाह ऐसे जाल में फंसा है कि इससे निकलना उसके बस में ना रहे। मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया था, जबकि इसमें मेरा कहीं कोई कसूर ना था। मैं तो बस इसका भरम था कि मेरे नकुश मेरे दादा से मिलते थे। मैं इसका तावान भुगत रहा था, एक के बाद दूसरा ताजियाना, कितनी मुश्किल। दिन के कोई 12:30 बजे होंगे कि मेहमान खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा बंद नहीं रखता था, इसलिए मैंने कहा, आ जाओ। खुशबू का एक झोंका अंदर आया और अंदर आकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन मेरी तकदीर में चौंकना ही लिख गया था। इस शक्ल को देखकर भी मैं बुरी तरह चौंका था। ये गंगा सरी थी, किसी धोखे के बगैर गंगा सरी थी। इस वक्त एक खसूसी तर्ज का लिबास पहने काफी खूबसूरत लग रही थी। पहचाना मुझे? उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर भी चंद्रकांता जैसे जख्म थे। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, अरे ये जख्म तुम्हारे कारण लगे हैं। मेरे कारण क्यों? अनजान क्यों बन रहे हो? मेरी लड़ाई हुई थी चंद्रकांता से। ओह, इसका मतलब था कि वो दूसरी बिल्ली तुम थी। हाँ, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुम्हें शायद मालूम हो कि वो तुम्हें सूंघ रही थी। हाँ, मुझे मालूम है। जानते हो क्यों? नहीं जानता। तुम्हारे शरीर के बारे में जानना चाहती थी कि तुम गुरुवंत हो कि कुंवारे, मगर ये खतरनाक बात है कि तुम कुंवारे हो। इतनी सुंदर कन्याएं तुम्हारे पास भेजी थी, मगर तुमने इनमें से किसी को स्वीकार नहीं किया। मुझे तो तुम पागल लगते हो। जो गुनाह नहीं करते वो पागल होते हैं। गुनाह सवाब तुमने मेरे अपने ऊपर लाद रखे हैं। तुम्हारे दादा ने तो कभी इस बारे में नहीं सोचा। मामून खान का तस्करा करते हुए उसका मुंह बिगड़ गया। सारे खानदान को और खास तौर से मुझे इसका खुमियासा भुगतना तो पड़ा। तुम तो ऐश कर रहे हो और फिर अब तुम गुनाह सवाब वाले कहाँ रहे? क्यों, अब भी तुम्हारे मन में तुम्हारा धर्म है? मरते दम तक रहेगा? मगर तुम वो सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हो जिसने तुमसे तुम्हारा धर्म छीन लिया है। जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने कहा। मतलब? मुझे जो कुछ दिया धोखे से दिया गया, और मेरे दीन में ये गुंजाइश है कि धोखे की माफी मिल जाती है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर हंस पड़ी और फिर बोली, ये तो तुमने अच्छी बात बताई। धोखे से तुम्हारा शरीर भी लिया जा सकता है और म्योर संकट के साथ बीता हुआ समय। वो जैसे नशे में डूब गई और फिर बोली, मेरी तुम्हारी तो अब कोई लड़ाई नहीं रही। तुमने मुझे मेरा राम स्वरूप दे दिया और मेरा जीवर दे दिया। राम स्वरूप तुम्हारे पास आ गया? हाँ, वो मुसरत से बोली और फिर कहने लगी, मैंने अपने पिताजी से भी कह दिया कि वो तुमसे नफरत खत्म कर दें। अब तो तुम हमारे हो, काली देवी के पुजारी हो। दिमाग खराब है तुम्हारा, मैं किसी काली पीली देवी का पुजारी नहीं हूँ, मैंने चिढ़कर कहा तो वो हंस पड़ी। फिर बोली, तुम्हारी ये बातें प्यारी लगती हैं। वैसे एक बात कहूँ, याद रखना मैं तो आत्मा हूँ, संसार में जो कुछ होता है इससे दूर हूँ। मेरे राम स्वरूप से भी मेरे शरीर का रिश्ता है, वो भी सूखी हुई हड्डियों का पिंजर है, मैं भी। और ये हड्डियां भी हमारे पास इसलिए कि हमारी चिताएं नहीं जली, वरना ये हड्डियां भी भस्म हो जाती। तो मैं कह रही थी कि अपने शरीर की हिफाजत करना, इसी में तुम्हारी बचत है, वरना तुम पूरी तरह गंदी आत्मा बन जाओगे। तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो गंगासरी। हाँ, तो मुझे बता भी दो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लंबा खेल है, आत्माओं का खेल। मुझे इसके बारे में बताओ। चंद्रकांता ने एक नए पंथ की शुरुआत की है। ये पंथ महाकाली के खिलाफ है और वो संसार की दूसरी शक्तियों को भी अपने साथ मिलाकर काली पंथ का नाश करना चाहती है। वो बहुत ही बड़ी जादूगरनी है और उसने ऐसे कदम उठाए हैं कि काली देवी परेशान है। काली देवी ने तुम पर भारी जिम्मेदारी डाली है। तुम चंद्रकांता को स्थान तक जाने से रोकोगे जहां पहुंचकर उसका ज्ञान पूरा होना है।
मैं रुकूंगा? हाँ, मैं एक मामूली सा इंसान। यही तो इत्तेफाक हो गया है, तुम मामूली इंसान नहीं हो, तुम म्योर संकट हो। एकदम मेरा दिल चाहा कि जीवती राय की कहानी गंगा श्री को सुना दूं, फिर ना जाने किस कुव्वत ने मेरा मुंह खुलने से रोक दिया। वो बोली, और तुम नहीं जानते कि काली देवी का काम करके तुम्हें कितना ऊंचा मुकाम मिलेगा। तुम देवता बन जाओगे, संसार तुम्हारी पूजा करेगा, संसार की दौलत तुम्हारे चरणों में ढेर हो जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति मिलेगी तुम्हें कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये इसलिए तुम्हें जो कुछ करना पड़ेगा वो बड़ा कठिन होगा, इसे आसान ना समझना। तुम गंगाश्री हो ना? अचानक मैंने सवाल किया और उसने मुझे चौंक कर देखा, फिर बोली, क्यों, ये सवाल क्यों किया तुमने? बस कुछ अजीब सा ख्याल आया था दिल में। क्या? एक दोस्त की हैसियत से मुझे बताओ। वो बड़ी अपनाइयत से बोली, गंगाश्री, जो नुकसान मुझे तुमसे पहुंचे हैं, क्या उन्हें भूल कर भी मैं तुम्हें दोस्त समझ सकता हूँ? मैंने साफ गोई से कहा और वो खामोश होकर मुझे देखने लगी, फिर बोली, काम मेरा नहीं है, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। तुमने मुझ पर एहसान भी किया है, मेरा स्वरूप मुझे देकर मैं इससे प्रेम करती हूँ। देखो, संसार को समझो, मनुष्य बड़ा कमजोर है, अपनी सांस जीता है, अपनी सांस मर जाता है। रिश्ते नाते बड़े होते हैं, लेकिन आना जाना अकेले ही होता है। रिश्तों से प्रेम करो, पर इतना करो जरूरत के मुताबिक। अब तुम अपने चाचा को देखो, वो खून नहीं है, कितना बदल लिया है उसने खुद को। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, कहो मेरी माँ मुझे दिलवा दो। फरीद खान तुम्हारा पैरोकार है, तुम्हारी मानता है, मैं अपनी माँ के लिए तरस रहा हूँ। महाकाली द्वारा ये संकट आया था, फिर यही फैसला किया गया कि ऐसा ना किया जाए। वजह, तुम्हारी तड़प खत्म हो जाएगी, फिर तुम हमारा काम नहीं करोगे। तुम ये देखो, फरीद खान को इतना धन इतना दौलत दी जा सकती है कि उसके पास रखने के लिए जगह ना रहे, मगर नहीं दी गई। गुज्जर घाट के लिए राजा बनाया जा सकता है उसे, मगर नहीं बनाया गया। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी लगन रहे। जब वो हमारे काम पूरे कर देगा, उसे मनमांगी दे दी जाएगी। तुम हमारा काम कर दो, तुम्हें तुम्हारी माँ तोहफे में दे दी जाएगी। हाँ, तुम्हारे एहसान के बदले कुछ बातें मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँ, उसने कहा। क्या? क्योंकि हमें तुमसे काम लेना था और तुम्हें तुम्हारे काम का बदला देना था, चुनाचे तुम्हारी माँ को फरीद खान से ले लिया गया। ले लिया गया? मेरा दिल जोर से धड़का। हाँ, हम तुम्हें अच्छा इनाम देना चाहते हैं। फरीद खान तुम्हारा दुश्मन है, इसने तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं रखा था, हमने उससे ले लिया। फिर? मैंने बेकरारी से पूछा। अब वो रानियों की तरह रह रही है, दो दासियां उसकी सेवा करती हैं, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, खूब खुश है। तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कहा। क्यों? वो मेरे बगैर खुश नहीं रह सकती। इसका उपाय कर लिया गया है। क्या? इससे इसका माजी ले लिया गया है, अब वो रानी श्रद्धा के नाम से रह रही है। जब हम इसे तुम्हारे हवाले करेंगे तो इसकी याददाश्त वापस दे देंगे। मुझे चक्कर आ गया था, खुदा गारत करे इन काले करतूते वालों को, कमबख्तों ने हर चीज़ का हल निकाल लिया था। वो फिर बोली, हमारे वफादार बन जाओ, मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, एक बार दूर से तुम्हारी माँ को तुम्हें दिखा दूंगी ताकि तुम्हें हम पर एतबार आ जाए। मैंने गर्दन झुका ली, हर चंद की मैं दोगुनी चाल चल रहा था, लेकिन ये पेशकश मेरे दिल को छू रही थी। मैं माँ को देखना चाहता था। चंद लम्हों के बाद मैंने कहा, मुझे बताओ गंगाश्री, एक बार मुझे फिर बताओ। क्या? यही कि मुझे क्या करना होगा। मुख्तसरन बता चुकी हूँ, तुम्हें एक लंबा सफ़र करना पड़ेगा और फिर तुम एक बहुत बड़ा काम करोगे जो अभी मेरे इल्म में नहीं है। मैंने गर्दन झुका ली और फिर वो बोली, तुमने अब तक अपना काम ठीक किया है, तिलक राम पांडे तुमसे बहुत मुतासर हो गया है, यही महाकाली चाहती थी, लेकिन चंद्रकांता बहुत चालाक है, तुम्हारा मुकाबला उसी से है, तुम्हें चंद्रकांता को मौत के घाट उतारना है। कैसे? मैंने पूछा। ये मैं नहीं जानता, मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तो वो बोली, ठीक है शक्ति, तुम तैयार हो? हाँ, मैंने जवाब दिया और एक अनोखा मंजर देखा। दफतन फुलझड़ियां सी छूटी, रंग बरंगी खूबसूरत चिंगारियां उड़ी और गंगाश्री का कोई निशान ना रहा। गंगाश्री मेरे लिए बहुत सी सोचें छोड़ गई थी। दो तीन दिन गुजरे, हैरतअंगेज तौर पर किसी ने मुझसे कोई राबता नहीं किया। चौथी रात एक मुलाजमा मेरे पास पहुंची, ये जाना पहचाना चेहरा था, इस मुलाजमा को मैं कई बार देख चुका था। उसने अदब से कहा, आपको बुलाया गया है, आपको हमारे साथ चलना है। किसने बुलाया है? मैंने पूछा। वो किसी कदर कशमकश का शिकार हो गई, फिर बोली, रानी चंद्रकांता ने। ओह अच्छा, मैंने कहा। उसके बाद मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया था, फिर मैं इसके साथ चल पड़ा। इस बार मैं हवेली के एक नए हिस्से में आया था,
इससे पहले मैंने इस हिस्से को दूर से भी नहीं देखा था। बांदी मुझे एक इमारत से लाई, फिर मुझे कैदखाने में उतरना पड़ा। बेहद वसी कैदखाना जो नीम तारीख था, लेकिन जैसे ही मैं मुलाजमा के साथ नीचे पहुंचा, तहखाना एकदम रोशन हो गया। मैंने ठिठक कर इसमें नजरें दौड़ाई और मेरे पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। अजीम शान तहखाने की दीवारों के साथ इंसानी ढांचे खड़े थे, ला तादाद इंसानी ढांचे जो खामोश खड़े सामने देख रहे थे। मुझे कैदखाने में छोड़कर मुलाजिमा उल्टे पांव वापस चली गई और मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। ना जाने क्यों अंदर से एक आवाज उभर रही थी, फंस गया, अब मैं कैदखाने का कैदी हूँ। मैं ढांचों पर निगाहें जमाए रहा और खूब देर हो गई। अचानक मुझे अपनी सांसों में घुटन का एहसास हुआ और मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा। आह, वो मंजर भी बेहद खौफनाक था। दीवारों के साथ खड़े ढांचों के मुंह से गहरे गाढ़े धुएं के मरकोले निकल रहे थे, जैसे वो सिगरेट पी रहे हों। यही धुआं माहौल को अपनी लपेट में ले रहा था। मुझ पर नींव गशी तारी होने लगी और फिर मुझे होश ना रहा। होश आया तो मैंने माहौल का जायजा लिया। माहौल बदल गया था और अब मैं किसी नई जगह था, लेकिन इधर उधर देखने से अंदाजा हो गया कि इस माहौल को मजीद दिलचस्प बनाने की कोशिश की गई है, एक पुरमिजाह कोशिश। वो एक इंसानी ढांचे अब भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन इस अजीम शान हॉल के एक गोशे में बड़ी तरतीब से कुर्सियां पड़ी थी, बिल्कुल थिएटर या सिनेमा का मंजर था। इन कुर्सियों पर वो ढांचे बैठे हुए थे, इनका रुख सामने था जहाँ किसी थिएटर में किसी तरह एक हसीन पर्दा झिलमिला रहा था। मैं खामोशी से इस मंजर को देखता रहा। वो पुरस्रार बातें अब मेरे लिए हैरान कन नहीं रही थी। मैं इसी पुरस्रार दुनिया का एक इंसान बनकर रह गया था। अचानक मुझे अपने अकुब में आहट सी महसूस हुई और मैंने चौंक कर पीछे देखा। दो इंसानी शक्लें मेरे सामने थीं, ये भी दासियां थीं। इनमें से एक ने शीरी लहजे में कहा, आइए महाराज। साथ ही उसने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया। दूसरी लड़की ने भी यही हरकत की थी। मैं खड़ा हो चुका तो वो दोनों मुझे लेकर इन कुर्सियों के पास आईं जिन पर ढांचे बैठे हुए थे, फिर इनके दरमियान में गुजार कर बिल्कुल आगे ले गईं जहाँ एक सोफा सेट पड़ा हुआ था। मुझे सोफे पर बिठा कर वो आगे बढ़ी, दो तीन सीढ़ियाँ चढ़कर पर्दे के पास पहुँच गई। पर्दे में डोरियाँ लटकी हुई थीं, खींचने से पर्दा हटने लगा और पर्दे की दूसरी तरफ का मंजर नुमाया हो गया। वो चंद्रकांता थी जो एक खूबसूरत सोफे पर किसी मलका की सी तमकनत के साथ बैठी हुई थी। कमबख्त पहले से भी ज्यादा हसीन नजर आ रही थी। उसकी तिलिस्मी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। फिर इसकी आवाज़ उभरी, कैसे हो शक्ति आनंद? मैंने उसे देखा, वो मेरी आंखों में आंखें डाले हुए थी। इस वक्त एक ख्याल मेरे दिल में आया, उसने मुझे शक्ति आनंद कहकर पुकारा, इसका मतलब है कि वो मेरी असलियत से वाकिफ नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है, वो जो कुछ भी है उसका ज्ञान इतना मजबूत नहीं है कि वो अपने दुश्मनों को पहचान ले। मुझे बहरतौर इसके खिलाफ काम करने बल्कि इसकी जान लेने के लिए भेजा गया था और इसके लिए मुझे चालाकी से काम लेना था। मैं ठीक हूँ महारानी जी, इस समय मैं तुमसे कुछ खास बातें करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें इस जगह बुलाया है। यहाँ किसी का कोई दखल नहीं है क्योंकि ये मेरी मुमलिकत है, चंद्रकांता की राजधानी है, और जिसे तुम कुर्सियों पर बैठे देख रहे हो वो मेरी सेना के सरदार हैं। सिर्फ सरदार जो सेना के मुख्तलिफ जत्थों को कंट्रोल करते हैं, वो कोई मामूली सेना नहीं है। पल पड़े तो शहर के शहर पता कर लें, समझ रहे हो ना तुम? मैं खामोश रहा, मैंने गर्दन तक नहीं लाई। अलबत्ता इस जादू नगरी के तिलिस्म को मैं पूरी तवज्जो से देख रहा था। वो कुछ लम्हों के लिए रुकी, फिर बोली, तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वाले नहीं जानते कि मैं क्या हूँ। मेरे ख्याल में तो वो बड़े बेवकूफ़ हैं, बल्कि मुझे इन पर हैरत है। काली देवी, जिसके पास काले जादू का सबसे बड़ा स्थान है, ये नहीं सोचती कि जिसने इससे और इसके साथ की राज राजधानी से टक्कर ली है, किसी भी बोल बूटे पर ही उसके सामने आई होगी। आशीष परलोक तक कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ, इसलिए मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहती। लेकिन उन्होंने तुम्हें मंसूबा बनाकर भेज दिया, तुम जैसे मासूम आदमी को उन्होंने इतने बड़े काम के लिए भेज दिया। अब मैं चौंका था, वो जो कुछ कह रही थी वो बेहद खतरनाक था। वो जानती है कि मुझे इन लोगों ने भेजा है। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर बोली, हाँ अशरफ खान जी, तुम मुसलमान हो और काली देवी के मसलक में किसी मुसलमान से उसका ईमान धर्म छीनना सबसे बुरा काम है। उन्होंने उसके लिए तुमसे तुम्हारे धर्म के खिलाफ काम कराया है। खैर, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। जी कहिए, मैंने कहा। तुम कोशिश करके अपने रास्ते लगो, जिस तरह भी बन पड़े अपने रास्ते अलग करके उनके चंगुल से बचो और हमारे बीच ना आओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर रहेगा। अगर तुम इससे बाज ना आओगे तो खो जाओगे, ऐसे खो जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ रानी जी, लेकिन मेरे ख्याल में आपने मेरे बारे में ठीक से नहीं सोचा।
मतलब मैं एक मुश्किल का शिकार होकर ये सब कुछ कर रहा हूँ। काली देवी या राजगर्धनी से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना बिगाड़ सकती हैं। मैं एक अपने का शिकार हुआ हूँ, मुझे धमकियां ना दें, मैं किसी धमकी से नहीं डरता। वाह, वो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। मैं बहादुर लोगों पर जान देती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, तुम इन लोगों के कब्जे में हो। काली देवी ने बिना वजह मुझसे बैर बांधा है, हालांकि वो महान है, उसका ख्याल है, मैं उसकी जगह लेना चाहती हूँ। इसकी इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहती, ना ही मैं इतनी शक्तिमान हूँ कि उससे टकरा सकूं। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा एक मकसद है, मैं इसे पूरा करना चाहती हूँ और बस, मुझे किसी से गर्ज नहीं है। जरूर पूरा करो, मैंने कहा। मैं सब कुछ जानती हूँ शक्ति आनंद या अशरफ खान। मसलन, मैंने पूछा, तुम्हें यहाँ मेरे खिलाफ काम करने के लिए भेजा गया है, वो बोली। मेरे बदन में एक लम्हे के लिए सनसनाहट जरूर हुई थी, लेकिन फिर एक और ख्याल ने मेरे जहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो ख्याल ये था कि मैं एक मुसलमान घराने का फर्द हूँ। अल्लाह जानता है कि ना तो किसी लालच का शिकार था और ना ही मैं किसी के खिलाफ कुछ करना चाहता था। मैंने तो किसी दूसरे के गुनाहों का शिकार हुआ था और इसके बाद पे दर पे गंदी अरवाह का शिकार होता रहा। मेरा इसमें क्या कसूर है? हाँ, मेरे दिल में ये ख्याल जरूर पैदा हुआ था कि मैं कुछ ऐसे उलूम जरूर सीखूं जो मेरी और इंसानियत की भलाई के लिए हों। वो ना हो सका और मैं इन गंदी रूहों के जाल में फंस गया। अब चाहे वो काली देवी या चंद्रकांता हो, वक्त फैसला करेगा। क्या सोचने लगे, वो बोली। यही कि तुम ठीक कह रही हो, मैंने कहा। क्या चाहते हैं वो तुमसे? यकीन करोगी हमारी बात पर? हाँ, तो फिर यकीन करो। उन्होंने अभी तक मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि यहाँ भेजकर वो मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। बताएंगे, वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ये भी बताएंगे, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती चाहती हूँ। वो कैसे? तुम इनके खिलाफ काम करो और मुझसे रابطہ करो। वो जो कुछ भी तुमसे चाहें मुझे उसके बारे में बताते रहो। तुम्हारे ख्याल में इस बात पर वो मुझे छोड़ देंगे? वो तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकेंगे, ये मेरा तुम्हारा वादा है। एक बात तुम्हें मालूम है चंद्रकांता? क्या? मैं इनके हाथों में एक मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। अगर ये मेरी मुश्किल हल हो जाती तो मैं इन्हें जूते की नोक पर भी ना मारूं। क्या मुश्किल है, मुझे बताओ, वो बोली। और मैं उसे माँ के बारे में बताने लगा। वो सोच में डूब गई थी, फिर इसके मुंह से आहिस्ता से निकला, फरीद खान। उस वक्त रात के 3 बजे थे। मैं गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने मेरा पांव पकड़ के जोर से हिलाया और मैं जाग गया। पहली निगाह दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी थी, दूसरी गंगा सिरी पर जो हिंदू तर्ज के एक बेहद एहजाज के लिबास में मलबूस मेरे सामने खड़ी थी और अपनी चमकदार हविस भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मुझे जागा देखकर वो मुस्कुरा दी। जाग जाओ मोहन प्यारे, महाकाली की सौगंध, सोते में इतने सुंदर लग रहे थे कि मन चाह रहा था। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं अजीब तरह से हैरत से उसे देखने लगा। मुझे पता था कि वो एक रूह है। रूह तो पाकीजा होती है, दुनियावी बुराइयों से पाक, हर तरह की गंदगी से दूर। लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि वो एक गंदी रूह है। मैं उठकर बैठ गया। इसने अपने आप को संभाल लिया और बोली, काली देवी के बेर तुम्हारी देखभाल करते हैं और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताते हैं। कैसे मजे की बात है, तुम इस पापी मामून खान के पोते हो। इसने मुझे जीवन से महरूम किया, मेरे राम स्वरूप को मारा और खुद अपने परिवार का बैरागी बन गया। तुम इसके हमशक्ल हो और मेरी तुमसे दुश्मनी थी, लेकिन चलो छोड़ो, मैं भी किस फेर में पड़ गई। मैं तुमसे कुछ बातें करने आई हूँ। रात के 3 बजे, मैंने तंज से कहा। मजबूर थी? मैं गहरी नींद सो रहा था, मैंने कहा। मुझे मालूम है, वो बोली, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, कोई सपना देख रहे थे? मैं ख्वाब नहीं देखता। देखा करो, वो लगावट से मुस्कुरा दी, उम्र सपने देखने की होती है, और कभी हमें भी सपने में देख लिया करो। गंगा सरी, मैंने सरजरिश करने वाले अंदाज में कहा और वो चौंक पड़ी। फिर उसका चेहरा खुश्क हो गया, शायद उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ था। उसने कुछ लम्हों के बाद सपाट लहजे में कहा, बेरो ने हमें बताया है कि चंद्रकांता तुम पर डोरे डाल रही है। वो तुमसे मिली थी और देर तक बातें करती रही थी। हाँ, फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उसने तुमसे क्या बातें की थी। तुम आगे की बात करो, मैंने कहा। फिर होश खोने लगे हो तुम अशरफ खान, और आगे की बात करो गंगा सिरी। आगे की बात यह है कि तुम अपने काम को मत भूलो। जो काम तुम्हें दिया गया है वो करो, असली काम मत भूलो, उसी में तुम्हारी निजात है। कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने कहा और वो मुझे घूरने लगी। फिर अजीब से अंदाज में हंस पड़ी, फिर वापसी के लिए मुड़ गई। मैं बहुत देर तक जागता रहा था। 3 दिन के बाद तिलक राम पांडे खुद मेहमान खाने की तरफ आ निकला।
एक खादिम ने मुझे अंदर आकर इतला दी थी और मैं बाहर निकल आया था। अरे पांडे जी महाराज, आपने मुझे नहीं बुलाया, आओ बैठ कर बातें करेंगे, मेरी नजरों में तुम्हारी बहुत बड़ी जगह है, आओ। वो मुझे साथ लेकर बाग के एक गोशे में आ गए। एक खूबसूरत कुंज के पास पड़ी बेंच पर बैठकर उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे कितने अरसे यहाँ रहना चाहिए। क्या मतलब? मेहमान कितने दिन रहा जा सकता है? तुम यहाँ मेहमान हो, वो अजीब से अंदाज में बोले। फिर भी पांडे जी, नहीं शक्ति आनंद, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुमसे खुलकर बात नहीं की। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे ही साथ रहोगे। तुम्हें जिससे प्यार है उसे यहीं बुला लो, अब तुम हमारे घर के एक फर्द और मेरे साथी हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा मान लिया है। तुम ये बताओ कि तुम्हें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं। बात ही ख़त्म हो गई, अब मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ जिसके लिए यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। असल में हमारी महारानी चंद्रकांता तुमसे कोई काम लेना चाहती हैं। वो तुम्हें किसी खास मकसद के लिए कहीं रवाना करना चाहती हैं, कोई ज़रूरी काम है। आपका क्या हुक्म है? मैंने पूछा। लेकिन तुम जानते हो संसार में धर्मपत्नी को ही खुश रखने का कल्याण है। आपको मालूम है कि ये महारानी मुझे किस काम से और कहाँ भेजना चाहती हैं? यहाँ से काफ़ी दूर घने जंगलों का एक ख़तरनाक सिलसिला है, इसे बेला घान के नाम से पुकारा जाता है। तुम्हें इस इलाके में जाना है, यहाँ से तुम कुछ लोगों के साथ जाओगे, वहाँ बेला घान में मुमकिन है हमें भी जाना पड़ेगा, वहीं हमारी मुलाकात हो जाएगी। क्या तुमने बेला घान का नाम सुना है? कभी नहीं। बड़ी पुरस्कार जगह है, यूँ समझ लो कि वो जादूगरों का स्थान है। सुना है काली देवी ने 20 साल बेला घान में काली तपस्या की है। खुद काली देवी ने? हाँ। अच्छा फिर? काम की नौइयत तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा रखना चाहिए, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत मेहरबानी तुम्हारी, बाकी बातें खुद चंद्रकांता जी तुम्हें बताएंगी। कोई नया खेल? क्या सारे ख्यालात दिल से निकाल दूँ, वक्त का साथ दूँ? इससे ज़्यादा और क्या इम्तिहान दे सकता था? दीन धर्म को किस तरह कायम रखूँ? एक तरफ शैतानी कुव्वतों ने चारों तरफ से मुझ पर जाल डाले रखे हैं और दूसरी तरफ मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब देखना यह है कि चंद्रकांता जी क्या फरमाती हैं। लेकिन वही बात कि इस वक्त में काली कुव्वतों का सबसे चहीता खुद था। रात ही का वक्त था कि केदारी जी मेहमान खाने में आ गए। अरे आप? मैंने चौंक कर कहा। जय हो महाराज शक्ति जी। एक बात बताइए, ये आपकी दुश्मन चंद्रकांता की राजधानी है, आप लोग यहाँ बैल की तरह मुंह उठाए कैसे घुस आए हैं? जंगली बैल जो ठहरे, केदारी हंसकर बोला। फिर कहने लगा, खैर हमें अंदर की सारी बातें मालूम हो जाती हैं। चूंकि आपको बेला घान जाने के लिए कहा गया है, आप परेशान होंगे कि वहाँ जाएं या ना जाएं, इसलिए मुझे भेजा गया है। गुड, आप क्या कहते हैं? आपको बेला घान जरूर जाना है, यह हमारे मतलब की बात है। चलें, ये भी ठीक है, और कोई हिदायत? वहाँ जाना बहुत कठिन है, वहाँ काली देवी, दुर्गा देवी, भवानी देवी और बहुत सी दूसरी शक्तियों के ग्रोजन हैं। हर तरफ जादू की राजधानी है, आपके आने की खबर इन लोगों को फौरन हो जाएगी और आप रोके जाएंगे, इसके लिए तैयार रहें। एक बात बताओ केदारी। जी महाराज, क्या जादूगरी की सारी करप्शन औरतों में ही फैली हुई है? हम नहीं समझे महाराज। अभी तुमने कुछ नाम लिए जादू की कर्ता धर्ताओं के, यानी काली देवी, पीली देवी, तीली देवी, सारी की सारी देवियाँ, कोई देवता महाराज भी कभी मार्केट में नहीं आए? आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं महाराज। सिर्फ देवियों का, देवता कोई है ही नहीं। और अब चंद्रकांता देवी? हमें नहीं मालूम, हम जो आपको बताने आए थे वो बता दिया, केदारी ने बुरा मानकर कहा और फिर वो वहां से चला गया। मेरे जहन पर सोचों ने हमला किया, लेकिन अब मैंने इन सोचों से जंग करने का फैसला कर लिया। अपने ऊपर किसी एहसान को मुसल्लत न होने दूंगा और हर तरह के हालात का मुकाबला करूंगा। मैंने आखिरी बार सोचा, माँ सिर्फ तेरे लिए। वो चारों भी शिकारी थे जिन्हें मेरे साथ भेजा गया था। चंद्रकांता ने मुझे सिर्फ ये बताया था कि मैं बेला घान पहुंचूं, बाकी काम की तफसील मुझे वहीं जाकर मालूम होगी। वो चारों अफराद मेरा बड़ा एहतराम करते थे। मेरे साथ जो दो शिकारी आए थे उन्हें केदारी ने वापसी की हिदायत कर दी थी और वो बहुत पहले जा चुके थे। सफर बेहद मुश्किल था, बेला घान हिमालय की तराई के जंगलात में खास मुकाम रखता था। फिर एक भयानक रात जब हम एक दरिया के किनारे कैंप लगाकर आराम कर रहे थे, कुछ पुरस्कार लोगों ने अचानक भारी गनों से फायरिंग कर दी। ऐसी कार्रवाई का तस्वर भी नहीं था, हम सिर्फ जंगली दरिंदों की तरफ से होशियार थे। ये फायरिंग गैर मुतवक्के थी, शायद वो लोग डाकू थे जो शिकारी काफिलों को लूटते थे। इतनी शिद्दत से गोलियां चली कि चारों शिकारी छलनी हो गए। इस वक्त मैं एक तेज रफ्तार नदी के करीब था,
मुझे और कुछ ना सूझा तो मैंने नदी में छलांग लगा दी। पहाड़ी आबशारों से गिरने वाला तेज रफ्तार पानी किसी मुजोर घोड़े की तरह मुझे लेकर चल पड़ा। डाकुओं की फायरिंग से बचत हो गई, लेकिन पानी से मैं न संभल सका और बुरी तरह बहने लगा। मैं शदीद कोशिश के बावजूद खुद को न रोक सका। रात का खौफनाक अंधेरा फिजा पर मुसल्लत था। पानी की तेज रवानी आंखों को भी नहीं खुलने दे रही थी, और फिर पानी ठंडा भी था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि यह दरिया आबशार से बना है। आखिरकार कोई 25 मिनट के सुबक रफ्तार सफर के बाद नदी की तुंदी किसी कदर कम हुई, शायद इसका फैलाव बढ़ गया था। फिर नदी बिल्कुल ही सुस्त रफ्तार हो गई। मेरे दिमाग पर नीम गशी किसी कैफियत तारी थी, और इस वक्त मैं कुछ पत्थरों में अटक गया था। चूंकि बहना बंद हो गया था, इसलिए दिमाग से चक्कर भी खत्म होता जा रहा था। मैंने आंखें खोल दी। आसमान पर आखिरी रातों का चांद सफर कर रहा था। इसकी रोशनी में माहौल उजागर हो गया था। मेरी दोनों जाने पहाड़ी सिलसिले हद निगाह तक फैले हुए थे। पहाड़ी ढलवानों पर गुंजान जंगल बिखरे हुए थे, मेरे नीचे पत्थर ही पत्थर थे। कुछ देर मैं इसी तरह पड़ा रहा, फिर पत्थरों ही का सहारा लेकर उठा। इस वक्त मैं जिस मखदूश हालत में था, मुझे इसका बखूबी अंदाजा था। मौत की हल्की सी जुम्बिश बासानी मुझे निवाला बना सकती थी। नदी से बाहर निकल आया। इसके दोनों किनारों पर इंसानी कद से ऊंची घास उगी हुई थी। इसके दरमियान दाखिल होकर आगे बढ़ना था। मैं इस खौफनाक घास में दाखिल होकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। बदन पर शदीद थकन तारी थी। एक एक कदम आगे बढ़ाना दोभर हो रहा था, लेकिन घास में बैठ नहीं सकता था। अपने आप को भूल कर आगे बढ़ने लगा, और जाने कितनी देर इसी घास में चलता रहा। फिर अचानक घास खत्म हो गई, और धुंधले धुंधले उजाले में दूर तक का मंजर नुमाया हो गया। काफी फासले पर मुझे एक इमारत सी नजर आई, और मैं इस पर आंखें जमाकर गौर से देखने लगा। आंखों के जाविये किसी कदर बेहतर हुए तो मुझे किसी मंदिर जैसे अक्स नजर आए। कोई मंदिर ही था। अगर ये मंदिर है तो आसपास किसी आबादी के आसार भी हो सकते हैं। इस एहसास ने तकवीत बख्शी, और मैं मंदिर तक के रास्ते का तायुन करके आगे बढ़ने लगा। एक एक कदम मुश्किल से उठ रहा था। अपनी बुरी हालत का मुझे पूरी तरह एहसास था। बस मैं अपने जहन को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे मंदिर में दाखिले का दरवाजा नजर आया। इस हौलनाक वीराने में यह पुरहैबत मंदिर दिल ललचा रहा था, लेकिन इस वक्त ये मेरे लिए बड़ी उम्दा पनाहगाह थी। उजाला फैल चुका था। मुझे एक ऐसी जगह नजर आई जहां ऊपर छत थी। मैं इस तरफ बढ़ गया। पथरीली जमीन थी। कैसी है, क्या है, ये सोचे समझे बगैर मैं वहां लेट गया, और यूं लगा जैसे बदन पर फालिज का हमला हुआ हो। पूरा बदन सुन हो गया, ऐसा कि उसे जुम्बिश भी ना दी जा सके। यही कैफियत दिमाग की भी हो गई, और आंखें बंद हो गईं। ये गहरी बेहोशी थी, और ये बेहोशी ना जाने कब तक तारी रही। इसके लिए वक्त का तायुन नहीं किया जा सकता। और जब हवा के एक सर्द झोंके ने पानी की फुहार मुंह पर मारी, आंखें खुल गईं। जहन को बमुश्किल काबू में करके माहौल पर नजरें डाली। हैरत अंगेज तौर पर अंधेरा फैला हुआ था। हैरत हुई, मैंने तो उजाले की पहली किरण के साथ आंखें बंद की थी, ये अंधेरा कहां से उतर आया? ओह, तो क्या पूरा दिन इस बेहोशी में गुजर गया? इसका सबसे बड़ा एहसास पेट में दौड़ते चूहे दिला रहे थे। पानी की यह फुहार बारिश की थी, जिसका एहसास बिजली कूदने से हो रहा था। अभी बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन अंदाजा हो रहा था कि ये छोटा सा साहिबान बारिश से नहीं बचा सकेगा, कोई दूसरी जगह तलाश की जाए। मैं उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। बिजली के कोंदे मदद कर रहे थे। मुझे बाएं सिमत थोड़े फासले पर एक छोटा सा दरवाजा नजर आया, और मैं हिम्मत करके उठ गया। न जाने किस तरह गिरता पड़ता उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर गर्मी थी। ये गर्मी इस वक्त बेहद फरहत बख्श महसूस हुई। मैं चंद कदम और आगे बढ़ा, और फिर जमीन पर बैठ गया। पीछे दीवार थी। अचानक बादल जोर से गरजे और पूरा कमरा हिल गया। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर बोसीदा है, लेकिन अब जो भी है क्या किया जा सकता है। बाहर बारिश का शोर सुनाई देने लगा। वो तेज होती जा रही थी। मैंने दीवार से कमर टिका ली। अब जिंदगी या मौत का एहसास इतना हौलनाक नहीं रहा था। खौफ खत्म हो गया था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। फिर शायद रात का तीसरा पहर चल रहा था कि मुझे कदमों की सी आहट सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। ये कैसी आवाज है? किसी इंसान के यहाँ वजूद का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। कोई जानवर, कोई दरिंदा। हर तरफ छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। ये आवाज इन्हीं पत्थरों से आ रही थी। हो सकता है ना इंसान हो ना जानवर, कोई बदरूह। कदीम हिंदुस्तान के इन वीरान मंदिरों में बदरूहों के सिवा और कौन हो सकता है? लेकिन ये बदरूह हैं। अचानक कदमों की आहटों के साथ कपड़ों की सरसराहट भी सुनाई दी। कौन है ये? क्या मेरी कोई महाफिज रूह? उन्होंने मुझे तहफ्फुज का यकीन तो दिला दिया था, लेकिन अब तक मुझे जो तहफ्फुज मिला था उससे अंदाजा हो जाता था कि मुझे कितना जबरदस्त तहफ्फुज दिया गया है।
जी खुश हो गया था। फिर एक आवाज सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। 100% इंसानी आवाज थी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर बहुत सी आवाजें, और सबकी सब इंसानी आवाजें थी। औरतों की, मर्दों की, वो मध्यम सरगोशियां कर रहे थे। ये आवाजें कमरे के बाहर से आ रही थी। क्या कुछ होने वाला है मेरे साथ, मैंने सोचा। अब जिस्मानी कुव्वतें कुछ बहाल हो गई थी, चुनाचे मैं उठकर खड़ा हो गया। एक लम्हे तक खड़ा रहने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ा और उससे कान लगा दिए। फिर एकदम घुंघरों की झनकार सुनाई दी और मैं पीछे हट गया। छन छन छन, घुंघरों की आवाज मुसलसल उभरने लगी। रक्स, मेरे जहन ने नारा लगाया, लेकिन किसका, कौन है? आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। एक लम्हे हिम्मत करता रहा, फिर एकदम बाहर छलांग लगा दी। बाहर कोई नहीं था। घुंघरों की झनकार सुनने की आवाजें एकदम बंद हो गई, जैसे वो मुझे देखकर साकित हो गए हों, मुझे दम रोके देख रहे हों, लेकिन कोई सामने नहीं था। अलबत्ता सामने कुछ फासले पर सांप का मुजस्मा नजर आया था। ये मुजस्मा ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया। मेरा अंदाजा गलत नहीं था, वो धात का बना हुआ सांप था, इंसानी हाथों से बना हुआ। जिंदा सांप ने अपना फन फैलाया और मैं उछल पड़ा। मेरा अंदाजा गलत था, वो धात का बना हुआ नहीं था, बल्कि कांसी के रंग जैसा था। इसकी नन्नी नन्नी आंखें मुझे देख रही थी। फिर इसने 2-3 बार जबान बाहर निकाली और फिर एक तरफ चल पड़ा। मुझसे कितनी बड़ी गलतफहमी हुई थी, मैं तो शायद आगे बढ़कर उसे उठा भी लेता। मैं उसे देखता रहा, फिर मैंने एक दीवार के नीचे टूटी हुई जगह से अंदर दाखिल होते देखा। वो आन की आन में गायब हो गया। फिजा बिल्कुल खामोश थी, लेकिन एकदम फिर वही तेज आवाजें शुरू हो गई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। घुंघरों की आवाज से पता चल रहा था जैसे जोर का रक्त जारी है, लेकिन दीवार की दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक सामने की दीवार पर एक पर्दे की तरह एक तरफ सरक गई और दूसरी तरफ से रोशनी चमकने लगी। मैंने फटी फटी आंखों से इधर देखा, सांप का एक बहुत बड़ा मुजस्मा वहां इस्तादा था। ये भी उस रंग का था जिस रंग का मैंने एक छोटा सांप देखा था, लेकिन इस सांप के सामने एक जिंदा वजूद मुतहरिक था। एक हसीन लड़की रक्स कर रही थी और देव हैकल सांप का मुजस्मा झूम रहा था। इसकी आंखें रोशन थीं, खुद लड़की गर्दन में कई छोटे छोटे सांप लटके हुए थे जो इसके रक्स के साथ हिल रहे थे, जगह बदल रहे थे। मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगी। तभी रकासा रुक गई। अब वो मुझे देख रही थी। इसकी आंखें भी सांप की आंखों जैसी थी। फिर वो एकदम मुस्करा पड़ी और फिर उसकी आवाज जो किसी सांप की फुंकार से मुशाबे थी उभरी, क्रथम देवता संपर। मैं खामोशी से उसे देखता रहा तो वो फिर बोली, तुम शक्ति आनंद हो ना? ना जाने किस तरह मेरे मुंह से निकला, हाँ। स्वागतम स्वागतम, मेरे साथ चलोगे? कहाँ? स्वर्गवंशी में। ये कहाँ है? चलो पता चल जाएगा। और अगर ना जाना चाहूँ तो? मैंने कहा। तो भी चलोगे? जबरदस्ती? शायद। मुझे जानती हो? हाँ जानती हूँ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हें वहां चलना है जहां आने के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया है। मैं एक लम्हे तक सोचता रहा। मैं तो मैं था ही नहीं, अशरफ खान हजार बार मर चुका था। अब तो मैं एक बेमकसद वजूद था, बिला वजह जी रहा था, कोई आस बाकी नहीं रही थी। इन खौफनाक बलाओं के दरमियान ना जाने क्यों फंस गया था। फिर मैंने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। कुछ तो वजह होगी मेरे आने की, मैं आमादगी जाहिर करते हुए कहा, चलो। वो एक तरफ चल पड़ी, काफी दूर जाकर एक टूटे फूटे हॉल जैसी जगह रुकी। यहाँ नीचे जाने के लिए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी। वो मेरे आगे आगे चल रही थी। सीढ़ियां एक वसी ठंडे हॉल में जाकर खत्म हुई थी। यहाँ का मंजर भी बेहद हौलनाक था। चारों तरफ बेशुमार छोटे बड़े सांप किलबिला रहे थे। उनके दरमियान एक बूढ़ा शख्स आंखें बंद किए शायद पूजा कर रहा था। मैं सांपों के दरमियान चलता हुआ झिझक रहा था तो औरत ने कहा, नहीं ये देवी द्वारा है, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, चले आओ। अभी मैं चंद कदम आगे चला था कि पुरस्कार हॉल में एक इंतहाई दिलदोज भयानक चीख उभरी और दरो दीवार लरस गए। मेरे कदम भी रुक गए और मैं दहशत भरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा।